ये वोडाफोन का इंट्राडे चार्ट, और यहाँ पर सरकार ने जो आपको अपनी तरफ से ठानी थी वो आती हुई दिख रही है। 100% ऑटोमेटिक रूट के जरिए टेलीकॉम सेक्टर में अब आपको विदेशी निवेश आता हुआ दिख सकता है, किसी और कंपनी के लिए नहीं, लेकिन ये वोडाफोन के लिए बहुत बड़ी खबर है, ताकि अगर कोई यहाँ पर वाइट नाइट या कोई ऐसा इन्वेस्टर दिखे जो विदेश से आता हुआ हो, वो आपको यहाँ पर अब बिना किसी सरकारी समझिए चेकिंग के आपको FDI के जरिए 100% मूव आता हुआ देख सकता है। फिलहाल आपके सामने वोडाफोन आइडिया दिन का जो न्यूनतम लेवल था आशीष जी, वो था 11.15 रुपये, और अब आपको 11.55 पर चलता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ खबर के चलते चाल है, और यहाँ पर क्योंकि बाजार में काफ़ी गिरावट है तो यहाँ पर टेक्निकल कॉल नहीं लेते। फिलहाल ये खबर आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई, और हमारे मित्र असीम जी जुड़ चुके हैं जाहिर तौर पर फ़ोन पर ही, और वो आपको बताएंगे कि इस खबर की अहमियत क्या है। असीम जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी खबर वोडाफोन के लिए है जहां तक मेरी राय जाती है। जी सही कहा आपने, देखिए टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी 49% FDI परमिटेड थे ऑटोमेटिक रूट से। जब कैबिनेट की बैठक हुई लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले, तो कैबिनेट ने 100% FDI को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी है वो दे दी थी, और उसको लेकर के उसने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अगर उसको टेलीकॉम सेक्टर के अंदर निवेश करना है तो उसको पहले सरकार से परमिशन जो है वो नहीं लेनी पड़ेगी, खासतौर पर कि वोडाफोन FDI जो है वो भी FDI अपने रेट जो है वो कर रहा था, 15,000 करोड़ रुपए FDI रेज करने के लिए उसने सरकार से मंजूरी जो है वो भी मांगी हुई थी, तो उसको ये कह सकते हैं ऑटोमेटिक मंजूरी जो है कंपनी को जो है वो मिल जाएगी। उसको ज्यादा अपने प्रोसेस में जो पहले उसका कंपनी का जो उलझ के रह गई थी, तो वो प्रोसेस जो उसको फॉलो जो है वो नहीं करना पड़ेगा। सेफगार्ड सरकार ने अभी भी रखे हैं कि कोई 5,000 करोड़ से ज्यादा का कोई प्रपोजल है तो उसको सरकार जो है मंजूरी देगी, तो उन सब को देखते हुए कह सकते हैं कि DIPP ने फाइनल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया, और अब 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से टेलीकॉम सेक्टर पर परमिट जो है वो कर दी गई है। चलिए, तो दो यहाँ पर आपको जो रेगुलेशंस के अंदर रूल के अंदर जो रूल होता है कि अगर 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश है तो सरकारी एक टिक जरूरी है, और एक और रूल होगा आशीष जी जो बताया नहीं जाता लेकिन वो इनविजिबल होकर भी विजिबल है, कि यहाँ पर चाइनीज FDI अगर आएगा तो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ देख सकता है। तो फिलहाल ये आपके सामने सूरत हाल, एक बढ़िया खबर दिल्ली से आती हुई वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी खबर, और दिन का लो 11 रुपये वो आपको अब 11 रुपये 60 पैसे मूव करता हुआ दिखेगा। 3 बज चुके हैं।